अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं सुबह सुबह छत पे आया हूँ, ये देखिए अभी सूरज निकल रहा है इस तरफ से, और मैंने अपने रात चूजों को भी अच्छी तरह कवर किया था क्योंकि वो बीमार हुए हैं। बाकी ये मुर्गियों का मैंने मतलब कि आगे कपड़ा लगाया था। ये हमारे कबूतर इधर फिर रहे हैं, उनको सबको मैंने अभी डाइट देनी है। और ये हमारी कबूतरी अंडों में बैठी है। मैं एक दफ़ा ये केज का कपड़ा उतार लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखिए अभी तक बीमार ही है हमारा वो वाला चूज़ा। मैंने हालांकि इसको दवाई भी दी थी, ये फिर भी बीमार है। चलो तो देखते हैं इसका कुछ करते हैं। और बाकी जो मैं साथ वाले केज के अंदर ये चूड़ा डाला हुआ था ना, मतलब कि जिसके अंदर ये इसके अंदर मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि ना ये दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इसके अंदर छोटे छोटे कनक के दाने हैं, ये सारे दिन इधर खाते रहते हैं क्योंकि इनकी डाइट अगर किसी टाइम ख़त्म हो जाए तो ये इसके अंदर से खाते रहते हैं। मैं अभी केज में डाल देता हूँ, फिर ये खाते रहेंगे। मैंने इतनी जगह पर डाला, बस अभी इतना खा लेंगे। ये मैं कल उठा दूँगा ये वाला चूड़ा, क्योंकि इसके अंदर से जब कनक ख़त्म हो जाएगी फिर नया डाल दूँगा। अब मैं बाहर जाके ना इनके पानी में मैंने दवाई भी देनी है, क्योंकि मैंने अभी देखा कोई कोई एक और चूज़ा भी हमारा ना थोड़ा थोड़ा सुस्त लग रहे हैं। ये देखें ये जैसे ये थोड़ा थोड़ा सुस्त है, ये भी सुस्त है थोड़ा थोड़ा। देखें पर कवा आया, ये डर के सारे इधर भाग आए मेरे पास। गाइस इधर मैंने इनको ना ये खरबूजे के छिलके वगैरह डाले तो जब ये खा रहे हैं। मैं जाके अब कबूतरों को डाइट देता हूँ, बाकी फिर बाद में इनके लिए मैं वो ले जाता हूँ, इनके लिए बाद में वो लेकर जिससे मैं दवाई लेने जाता हूँ। फिर चूजों को पानी डालेंगे, पहले हम कबूतरों को डाइट दे दें। वैसे मैंने तभी कबूतरों का ये मतलब कि बर्तन निकाला और इसमें डाइट ही ख़त्म हो गई है, मुझे तो याद ही नहीं था। अब इनके लिए डाइट लानी पड़ेगी, इनकी तो बस डाइट पड़ी है। इन्होंने जितना खाना है इस टाइम तो इनको पानी रख देता है ऊपर वाले कबूतरों को, बाकी नीचे वाले कबूतरों की कोई डाइट का हल करते हैं। अभी मार्केट जाता हूँ लेके आता हूँ डाइट। गाइस ये वाली ट्यूब मैंने कल अपने कबूतरों के बच्चों को लगाई थी, अभी मैं कबूतरों के बच्चे भी चेक करता हूँ मतलब कि क्या सूरत हाल है, कि वो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। ये हमारे कबूतर जी देखिए ब्लैक वाला बच्चा, ये इनको दवाई लगाई है ना, इनका कोई थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़े, ज़्यादा नहीं वैसे भी, मतलब मसले ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि इनको फ़र्क पड़ रहा है। ये देखें इसके भी, इसके भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इसको, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही बड़े दाने हो गए। तो वैसे मैं इनकी दवाई लगाता रहूँगा, ये हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह। और बाकी ये हमारे कबूतर का इसको मैं भी कल उड़ाया था, अभी फिर उड़ा के देखता हूँ। देखिए इधर बैठ गया, वो देखे सामने से आ रहा है इस तरफ। ये देखिए सामने बैठा है हमारा कबूतर, ये गलत साइड पे जाके बैठ गया, ये आएगा तो सही पर तंग करेगा। देखिए आ रहे आ रहे, ये आ गया,
मुझे जाके उस तरफ डाइट खा लेंगे, क्योंकि मैंने मैंने डाइट डाली थी ना मैं। ये वो वाला चीज़ का जो हमारा बीमार हो गया, बाकी और भी चेक मतलब ऐसे हुआ हुए हैं चेक, मतलब कि जो बीमार हुआ मैं ना, एक हमारे चूजे की ना चोंच टूट गई थी, मैं उसकी चोंच चेक करता हूँ कि आई है कि नहीं। ये देखेंगे वाला चूजा, इसे चोंच टूट गई थी, अभी तक तो नहीं आई, पर आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तक ये सरवाइव कर गया। ये देखिए ये भी हमारे एक चीज बीमार हुआ हुआ है, पता नहीं इनको क्या हो गया। आज ये हमारी मुर्गियाँ, आज हम मुर्गियाँ नहीं खोलूँगा मैं अभी, जैसे चूजे फिर चूजे जब बंद करूँ, जब चूजे बंद करूँगा उस टाइम मुर्गियाँ खोलूँगा। अभी उनके सामने तो कबूतर भी फिर रहे हैं, वो भी डाइट वगैरह खा रहे हैं, नहीं मैंने चूजे भी खोले हुए हैं। चूजों की मैंने नीचे से जाके पहले चूजों के ना मैं नीचे से जाके पहले दवाई ले आऊँ, फिर इनका दवाई डालते हैं, बाकी फिर थोड़ी देर बाद जाके मैं अपने कबूतरों का बाजा ले आता हूँ, वो बाजा इनके केज में डालेंगे। मैं छत पे आ गया हूँ दवाई लेके इनकी, उसके बाद अभी इनके पानी में डाल के देता हूँ इनकी दवाई, बाकी जो चीख बीमार है उसको मैं पकड़ के खुद हाथों से देता हूँ। बाकी देखिए हमारे चूजे केज के अंदर गया है कबूतरों के बेबी को मारने के लिए, ये मुर्गियों की गंदी आदत होती है चूजों के केज में जाने की। बाकी इनके ये सेव ही है, इनको कुछ नहीं कहा, ये डाइट इनकी इतनी की पड़ी है। बाकी ये वो तो सामने खड़े हैं ना, वो जो मैंने डाला हुआ है, ये मैं आपको बता रहा था, ये चूड़ा मैंने केज डाला हुआ है इनका, ये मैंने उधर भी चूड़ा डाला हुआ है ना, वो चूड़ा खा रहे हैं। बच्चों को चोगा वगैरह तो दे देंगे, फिर मैं बाज़ार जाता हूँ डाइट लेके आता हूँ, फिर डाइट डाल दूँगा इनकी, बाद में बाजरा लेके आता हूँ ना। बाकी हमारे सारे चिक्स अंदर चले गए, गब्बर गए खा रही अंदर चले गए, उनके उसके बाद मैं इनकी दवाई देता हूँ। बाकी ये एक ये चला चूज़ा बाई खड़ा है, इसको मैं हाथ से भी दवाई देता हूँ। अरे मैंने सारे चूज़े बंद कर दिए, मैंने इनके पानी वो पानी में दवाई भी डाल दी है, वैसे सामने पानी पड़ा है, बाकी ये पी भी रहे हैं, और बाकी जो चूज़ा बीमार था मैंने उसको भी मतलब कि पानी डाल दे दिया, मतलब कि दवाई दे दी है। उसके बाद अभी मैं ना कबूतरों के केज में पानी रखता हूँ, थोड़ी देर कबूतर बाहर फिरते रहेंगे, वो सामने जिधर से खा रहे हैं ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा चूड़ा है वो, मतलब कि वो खा लें, ये देखिए खा रहे हैं। ये कहना चूड़ा मतलब ऐसे नहीं कि गंदा चूड़ा, मतलब कि जो है ना, मतलब कि उसको कहते हैं कनक का चूड़ा है। बस इनके बर्तन में मैं पानी डाल दिया, केज में रखता हूँ, बाकी मैं कबूतरों को देखता हूँ कि उन्होंने कितना खाया, फिर एक दफ़ा केज में करता हूँ, क्योंकि बड़े मुर्गे खोलने, मुर्गों खोलने के बाद इनको थोड़ी देर बाद दोबारा खोल दूँगा, दफ़ा ये जाकर पानी वगैरह पी लेती हैं। देखिए फिर बगैर तो इधर देखिए वो केज में जा रहे हैं, और ये ऊपर बैठा है। भाई देखिए वापस आ गया, ये पता नहीं किधर चला गया था। बाकी इसको मैं भी केज में करता हूँ, मैं अपने ये गब्बर गैंग गब्बर को खोल रहा हूँ, गब्बर और उसकी मुर्गी हैं जो साथ हैं, इनको बस छत पे आप खुले ही छोड़ देना। इनका भी रात मैंने पानी नहीं उठाया था, क्योंकि दवाई वाला पानी दिया था, उसमें से कोई कोई मुर्गी ना मुझे अभी जो ये कह लूँगा कि ये दो मुर्गियाँ नहीं, मुझे ना बीमार लग रही थी, तो इसलिए मैंने इनका पानी नहीं उठाया, दवाई दी थी मतलब कि पानी के अंदर, तभी फिर मैं ये ना ये पानी जो रात वाला पड़ा ये चेंज कर देता हूँ, ये गंदा हुआ है। ये देखिए मैंने इनका पानी रख दिया, बाकी ये हमारी मुर्गियाँ फिर रही हैं। और दोस्तों आज की वीडियो भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से सब्सक्राइब करें यार हमारे चैनल को, लाइक भी क्या करें वीडियो को, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल।